अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मुझे एक ही हफ़्ता हुआ है यूट्यूब को ज्वाइन किए हुए। मैंने इससे पहले नातों की और पोइम्स वगैरह, जॉक्स वगैरह, शायरी और सॉन्ग्स वगैरह जो है वो बनाकर जो है वो अपनी वीडियोस जो है वो यानी कि अपलोड किए, तो लोगों ने सराहा है। लेकिन मुझे कुछ फैमिलीज़ के, मेरी फैमिली के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कहा भी ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा जी खैर जी, मैं शौक है मुझे और मैंने पहली बार इस तरह का स्टेप उठाया तो मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मेरा जो है वो ये हौसला तोड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा नहीं, मैं ये करके जो है ना वो दिखाऊँगी कि नहीं, लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और पता नहीं किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए। तो आज मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चले मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के दिलों में घर बनाऊं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अच्छे अच्छे दें। तो आगे चूँकि विंटर अभी स्टार्ट हो रहा है तो मुझे फ़िश बनाने की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आती हैं। इसके अलावा मैं टिक्का कबाब बहुत अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ और बहुत यानी कि सस्ते में बहुत अच्छे तरीके से, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ शेयर करती चली जाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें और मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ है, यानी कि मैंने जो आपको जो मुझे चीज़ें बनाने आती हैं उनमें से आपको मैं किस चीज़ की रेसिपी बताऊँ, कॉफ़ी बनाने की बताऊँ, फ़िश बनाने की बताऊँ यानी फ्राई, और इसके अलावा मैं आपको टिक्का कबाब की बताऊँ, जो भी आप कहेंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मुझे मतलब इस स्टेप पर लाकर खड़ा करें कि हाँ मुझे ये चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ चाय बनाने का एक जो है वो बताने जा रही हूँ। चाय जो है ये बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी लेकिन इसमें थोड़ा सा भी जो मैंने आज तक जो नहीं देखा यूट्यूब में किसी को बताते हुए वो ये है कि मैं जो चाय बनाऊँगी उसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट का टच भी देना, यानी कि नमक ज़रूर मिक्स करना है, इससे चाय का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, अगर किसी का बीपी हाई है तो वो बेशक इसको स्किप कर दें, लेकिन अगर हल्का सा डाल भी लेंगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला उनका बीपी इतना हाई नहीं होगा। अच्छा, तो मैं बताती चलूँ कि ये क्या है। ये मैंने ये वाला जो आप देखिए मग जो है, ये कप जो है, ये मैंने 1.5 दूध का डाला और हाफ मैंने पानी का डाला इसके अंदर, ठीक है। और फिर मैंने इसको ये देखें, बहुत लो भी नहीं है, मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। अब वो जब से मैं आपके साथ बातें कर रही थी तो ये बन यानी कि जो है ये ऊपर पक रहा था। ये आप देखें, आपको हल्का हल्का ऊपर जो है ये बलाई सी नज़र आना शुरू हो जाएगी और ये देखें हल्के हल्के से जो बुलबुले साइड पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें चीज़ें मटेरियल जो डालने जा रही हूँ वो ये है कि मेरे पास ये है ये है 2.5 टेबल स्पून जो है मैंने चाय की पत्ती है वो इसके अंदर, और साथ में एक इलायची, ठीक है, छोटी इलायची। ये 4 टेबल स्पून जो है ये शुगर यानी चीनी है, ये मैं इसके अंदर अभी से ही ये देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया जैसे कि अक्सर लोगों को सॉल्ट अच्छा लगता है, अक्सर लोगों को नहीं लगता, तो आपकी पसंद है, ठीक है। आपने अगर डालना हो तो डाल लें, अगर स्किप करना हो तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। और ये इसको टेस्ट देने के लिए चाय को ये इतना नमक काफ़ी है, ठीक है। और नहीं डालना तो आप ना डालें, इतना मैंने पहले ऑलरेडी एक्चुअल में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैंने डाल दिया, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप स्किप कर लें। अच्छा, अब ये देखें ये इसको बीट करना है इस तरह, ये देखें कलर आपको देखें अभी से इतना खूबसूरत कलर आ रहा है, ये देखें ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये दो मैंने मैक्सिमम ये 2 कप जो है वो चाय के बनाए हैं, ठीक है। ये देखें ये अभी यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा रिलैक्स यानी कि रेस्ट दूँगी, ये बन रही है और मैं ये देखें तो ये जो है ये इस तरह जो आपने इसको चाय को तब तक बीट करना है, तब तक पकाते रहना है जब तक इसका असल कलर और जो है वो इसको अच्छी तरह बॉयल नहीं आ जाता, ठीक है। तो जब ये कम से कम मैक्सिमम जो है इसको
चाय, इस तरह की चाय बनाने के लिए ना कम अज़ कम जो है वो 8-10 मिनट लाजमी चाहिए होते हैं। तो मैं फिर आपसे, ये बन रही है पक रही है, तो मिलती हूँ तकरीबन 8-10 मिनट के बाद। ये देखें चाय को कितना अच्छा, इसको ये इसका कलर बन रहा है और इसको ये देखें ये बॉयल पे आ गई है चाय। बनाया करें अपने लिए तो कम से कम इंसान को थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए, तो मैं भी बस थोड़ा बहुत ही जानती हूँ, लेकिन मैं जितना भी जानती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, और इसमें मैंने आपको बताया था ना कि मैंने टेस्ट के मुताबिक इसमें अपना थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है। ये देखें, अच्छा ये मेरा, ये वाला मेरा जो चाय बनाने वाला ये रेसिपी वाला जो ये मेरी ये वीडियो है, ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इसे सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें। अगर आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला, जिन्होंने मुझे कहा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको दिखा सकूँगी, बता सकूँगी कि नहीं, इंसान अगर थोड़ा बहुत हुनर जानता हो तो वो अगर नाम बनाना चाहे तो बना सकता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप मेरे साथ हैं और मेरा साथ देंगे, और इंशाल्लाह तआला मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ हैं। और इसके अलावा ये रेसिपी के अलावा, चाय के अलावा, मैं कॉफ़ी, मैंने बताया था आपको कि मैं कॉफ़ी बनाने का भी आपको बताऊँगी रेसिपी, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी फ़िश फ्राई कैसे करते हैं, कैसे उसको मसाला लगाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको आपसे शेयर करूँगी कि टिक्का कबाब जो है वो क्या, आप लोगों को जो चीज़ इसमें से पसंद है आप उसके बारे में मुझे बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्यूवर्स की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करूँगी। मैं ये जो है किचन वगैरह का सेटअप जो है ये बिल्कुल वैसा नहीं है जिस तरह के आप यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं अच्छे से अच्छे बेस्ट से बेस्ट जो है वो चीज़ें आपको बताती रहूँगी। ये देखें कितना प्यारा कलर है चाय का, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा कलर है चाय का, ठीक है। ये देखें अब मैं इनको इस, ये देखें अब ये इस स्टेप पे आ गई है चाय के, इस लेवल पे, इस यानी कि क्या हम इसको अब कप्स में डाल लें। तो अब मैं इसको कप्स में चाय को डालने जा रही हूँ, अब देखें। अच्छा मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ भी शायद आपको ना लगता हो क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ये बनाई है वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे तो मैं आप देखेंगे कि मैं अच्छे तरीके से भी आपको बहुत कुछ जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ, और आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर दीजिए। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, अब ये देखें चाय का कलर माशाल्लाह, ये देखें देखें माशाल्लाह, ये देखें ये वाह, लग रहा है ना जैसे ग्रीन टी हो। ये देखें ठीक है, अब मैं इसको ये देखें कप्स में निकालने जा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से अच्छा।
इंसान को जो है वो दूसरों इंसानों का हौसला बढ़ाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, और मेरा हौसला तब बढ़ेगा जब आप जो है वो ये देखें कितनी प्यारी चाय, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे शेयर करने के बाद कि भाई हाँ जी ये देखें आपको और मेरी कौन सी रेसिपी चाहिए, तो ये देखें ठीक है, ये देखें कितनी प्यारी चाय बनी है माशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ये देखें करम है, ये देखें ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो मेरे साथ ये देखें ये वही शामी है जो मैंने पहले आपके सामने बनाए थे, और अब ये देखें मैंने चाय बनाई अपने लिए कप में, इस टाइम अमूमन चाय ही पीती हूँ, और ज़्यादा सर्दी हो तो मैं कॉफ़ी लाइक करती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें फिर मैं चाय के साथ मेरा दिल करता होता है, इस टाइम रात का खाना मैं कम खाती हूँ तो मेरा दिल करता होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें कुछ बनाऊँ और खाऊँ। तो ये देखें ये सबसे पहले मैं जो है वो अपनी वालदा को दूंगी, फिर उसके बाद इस तरह की एक प्लेट मैं अपने लिए बनाऊंगी। सही है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने सिंपल है सादा है लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप मेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे तो मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी जो है वो चीज़ें जो है वो बनाना बताऊँगी। तो अगर आपको ये बहुत अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इससे अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बनाना सिखाऊंगी। मेरा इस वीडियो का मतलब हरगिज़ जो है वो कोई वो प्रोफेशनल तरीके से आपको चीज़ें बताना नहीं था, बस ऐसे ही मैंने कहा बैठे बैठे अचानक मेरे माइंड में आइडिया आया कि नहीं जिन्होंने मुझे इस तरह सोचा है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, इस तरह की वीडियो नहीं बना सकती, तो मैं उनको बताऊँ कि नहीं लोग बहुत अच्छे हैं वो इस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम फुल एक जो है वो सेटअप बनाकर ही लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो अगर आपको लाइक हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे।